जमशेदपुर में हिंदू जनजागरण मंच के द्वारा रांची शहर में जुम्मे की नमाज अदायगी के बाद हुए हिंसक झड़प को देखते हुए कुछ दिनों के लिए जुम्मे की नमाज पर पाबंदी लगाए जाने की मांग जिले की उपायुक्त से की गई है। इन्होंने कहा कि कल जुम्मे की नमाज अदायगी के बाद असामाजिक तत्वों के द्वारा दंगा का प्रयास किया गया और इसके बाद देश के कई शहरों में ऐसे ही दंगे भड़के। इससे साफ प्रतीत होता है कि यह एक साजिश के तहत की गई है और जुम्मे की नमाज अदायगी के बाद ही ये हुआ है, जिस कारण कुछ दिनों के लिए जुम्मे की नमाज पर रोक लगनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर इस पर कार्यवाही नहीं होती है तो अगले मंगलवार को इनके द्वारा साइकिल यात्रा कर रांची जाया जाएगा और महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा जाएगा। फोर न्यूज के लिए जमशेदपुर से मनमन पांडे की रिपोर्ट। ये हिंदू समाज का प्रदर्शन है, चूंकि किसी भी प्रदर्शन के लिए एक संगठन के नाम की आवश्यकता होती है, तो हम लोगों ने हिंदू जनजागरण मंच के नाम से ये ज्ञापन माननीय उपायुक्त महोदया को देने की तैयारी की है। और इसमें मांगे जो है, कल जो रांची में आप लोगों ने सुना, जो दंगा जिस तरह से भड़का है और उसका आग पूरे झारखंड में फैल गया। एक विशेष समुदाय के द्वारा पथराव होता है, जिसमें पुलिसकर्मी से लेकर के आमजन तो घायल होती है। हमारे जो आस्था का प्रतीक है महावीर मंदिर, उस पर भी रांची में हमला किया जाता है। इसी के विरोध में हम लोगों ने आज ये ज्ञापन देने का सोचा है उपायुक्त महोदया को। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग जा करके उनको बताएंगे कि ये जुम्मे के दिन ही क्यों हो रहा है, आप लोग इसको देखिए। और अगर ऐसे कुछ लोग संलिप्त हैं जो बाहर से आकर के, जैसा कि आज हमने एक अखबार में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोग आकर के हिंद पीढ़ी के लोगों को भड़का रहे थे, तो ये साजिश को समझने के लिए प्रशासन को आगे आना होगा और जुम्मे की नमाज को कुछ दिनों के लिए बंद करा करके ये जो है भय का माहौल, इसे खत्म करने का प्रयास करवाने का प्रयास करेंगे हम लोग। और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो मंगलवार को हम लोगों ने तय किया कि अभी आज से कल में हम लोग बैठक कर लेंगे और मंगलवार को राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को जाकर के हम लोग ज्ञापन देंगे। साइकिल से हम लोग यहाँ से जाने की तैयारी में है जमशेदपुर सराय। कितने लोग जा रहे हैं साइकिल? देखिए, संगठन में जो हम लोग के महानगर के पदाधिकारी, उन लोगों को लेकर के जाना हम लोगों ने तय किया है, क्योंकि यहाँ से अगर ज्यादा भीड़ लेके जाते तो गर्मी है, ट्रैफिक की समस्या है, अस्त व्यस्त हो सकता है कार्यक्रम। महानगर के पूरा नाम बता दीजिए। अमित कुमार शर्मा।